कोरोना काल के समय बेबी मीता नीन अपने कार्य में अहम भूमिका निभा रही है। पहले जहां एक महीने में 4 से 5 बैठक होती थी, उसके लिए अब शासकीय भवन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बैठक बाजार हाट में रखना पड़ रही है। वहीं नगर पंचायत खोंगापानी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले मितानीन खोंगापानी क्षेत्र 21 में मितनीनों को हाट बाजार में बैठक लगाकर प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। बता दें, मितानीन भवन नहीं होने से हाट बाजार बैठक हो रही है। वहीं अगर नित्य कर्म की ज़रूरत पड़ती है तो बाजार में बने शौचालय अनुपयोगी होने की वजह से खुले में दैनिक कार्य के लिए जाना पड़ता है। शौचालय की पानी टंकी टूटी फूटी पड़ी हुई है। वहाँ वह अपनी ट्रेनिंग लगाने को और मितानीन को प्रशिक्षण देने के लिए मजबूर हैं। बना है, लेकिन हम लोग मितानीन का मीटिंग लगाने में 4 महीना में 4 दिन लगती है, लेकिन कोनो वैसा जगह नहीं है कि हम लोग का दिया जा। हम 2002 से जुड़े हैं ना, लेकिन हम लोग को बैठने कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। हम अब यहाँ खुले में बैठे हैं, यहाँ नगर पंचायत है, लेकिन यहाँ खुले में बैठे हैं। हम लोग का कोई जुगाड़ नहीं है कि हम महिला हैं, हम कैसे बैठे यहाँ, कैसे मतलब हम हमार काम चले। क्या पंचायत में आपने जानकारी दी कि हमारी एक कोई मीटिंग है? हाँ, कोई नहीं हम लोग के सुनाई। चलिए ठीक है, चल रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आप लोगों का? हमारा ये मितानीन कार्यक्रम आज नगर पंचायत खोंगापानी में, मतलब ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पंचायत है, तो यहाँ हम लोग को कार्यक्रम करते 18 से 20 साल होने जा रहे हैं, और यहाँ इतने सारे भवन वगैरह बने हैं, लेकिन हम लोग के कोई भी मीटिंग या प्रशिक्षण होता है तो उसके लिए हम लोग को दिया नहीं जाता है बैठने के लिए। आज हम लोग का एक दिन का दिवसीय प्रशिक्षण था, उसके लिए हमने मांग किया कि 1-2 घंटे के लिए हमको भवन दे दिया जाए। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वहाँ पर गोदाम में है, कचरा रखा हुआ है, तो साफ सफाई नहीं है। तो हम आके फिर मजबूरी बस हमको तो ट्रेनिंग करना था, है ना, तो इसलिए हम लोग हाट बाजार में आके मितानीन को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अध्यक्ष जी कहाँ के हैं? मनेन्द्रगढ़ में, खोंगापानी के। मैं इनकी एमटी हूँ पक्का, और मेरा नाम जैनब बेगम है, और यहाँ मेरे अंदर में कम से कम 23 मितानीन काम करती हैं। हम लोग का हर विभाग मदद लेता है मितानीनों से। जैसे आप बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी से बात किए हैं, तो आपने अध्यक्ष जी का नाम लिया है, तो वो अध्यक्ष जी कहाँ के हैं? खोंगापानी के हैं या मनेन्द्रगढ़ के हैं? खोंगापानी। तो उनका उनके द्वारा क्या मिला? उनके द्वारा जैसे हम फोन में बात किए तो भाई मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने मितानीन से उनसे नंबर लिया और बात की कि भाई 2 घंटे के लिए मेरे को कोई भवन दे दीजिए, इनका 2 घंटे के लिए प्रशिक्षण रखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई अभी मैं देखता हूँ, मैं बोली आपका एक भवन खाली होगा, तो वो बोले कि वहाँ पर अभी गोदाम है, वहाँ पर बहुत सारे सामान रखे होंगे। मैं बोली एक और है वहाँ का दे दीजिए, तो बोलते हैं पता नहीं, पता करना पड़ेगा चाबी किसके पास है, वहाँ भी गंदगी होगी, साफ सफाई नहीं होगा, तो उसमें भी आप लोग बोलेंगे। तो मैं बोली फिर 2 घंटे के लिए, तो फिर नहीं वो हुआ। फिर वो आए, हम यहाँ बैठ गए, तो वो आए तो बोले कि सांस्कृतिक भवन खाली है, जहाँ दुर्गा पंडाल है कोई, वहाँ बोले चले जाइए। तो मैं बोली हमारा इतने नाचने में ही हमारा समय व्यतीत हो जाएगा, तो हम इनको प्रशिक्षण कितने टाइम तक दे पाएंगे, तो इसलिए हम हाट बाजार में आके बैठ गए। नारायण दत्त तिवारी की रिपोर्ट।